थोड़ा तेज बोलिए, मतलब इतना तेज बोली कि वो कैच कर ले, वरना धीमे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी उदित मिश्रा, एंड वी वांट टू ब्लेस योर ईयर्स बाय लिसनिंग टू बोरिंग द सेम थिंग रूटीन इन द मॉर्निंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ देवांश एंड उदित टॉक्स, एंड आज के हम लोग टॉपिक जो सबसे पहले उठाने वाले हैं वो है, देखिए मैं पहले बता दूं, इस पॉडकास्ट में हम लोग कोई फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हर एपिसोड में आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट लेकर जाएंगे अपने कोई भी फालतू की बात नहीं करने वाले, सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट जाएंगे। तो चलिए, आपका स्वागत है हमारे जो है सेकेंड एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एक प्रोडक्ट के बारे में जो कि हम लोग ने ऑर्डर किया था अभी उस भैया के कंप्यूटर में, एक वाईफाई मॉड्यूल नहीं है। अगर आपको ना पता हो वाईफाई मॉड्यूल क्या होता है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू, आपका होता है मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड में आपके सारे कंपोनेंट होते हैं जिसके थ्रू आपका रैम एंड एवरीथिंग कनेक्ट होता है। तो उसी मदरबोर्ड में एक लगा होता है वाईफाई मॉड्यूल, जिसके आपका जो 2.4 आपने देखा होगा आपके वाईफाई लगता है जो राउटर, तो वो जो 2.4 और 5.0 गीगाहर्ट्ज़ होता है, 1 गीगाहर्ट्ज़ का भी लगा है जियो फाइव, बहुत सेक्सी राउटर है। मैं तो राउटर पे ही मर मिटा था जब देखा था सबसे। तो ठीक है, तो इनके पास एक इशू आया कि लाइक इनके लैपटॉप, इनके जो मतलब कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, प्रॉपर जो डेस्कटॉप है उसमें एक वाईफाई अडाप्टर वो नहीं था, मॉड्यूल नहीं था। तो मैंने कहा कि इसके एक सोल्यूशन है भैया, अभी हम लोग एक वाईफाई अडाप्टर मंगा सकते हैं। तो अब ये देखिए, आप जैसे कि देख सकते हैं कि 259 रुपीज का पड़ा था, कितने पड़ा था आपको, 250 का, हाँ ये कुछ पड़ा था 250 का। ये वाईफाई अडाप्टर है, ये आपका दोनों 2.4 एंड 5.0 गीगाहर्ट्ज़ दोनों कैच करता है। इस वाईफाई अडाप्टर की ये अच्छी बात है कि लाइक इसको अगर आप अपने किसी भी डिवाइस में लगा लो जिसमें वाईफाई मॉड्यूल नहीं है, तो आप 250 रुपए में किसी उसको क्या कहते हैं डिवाइस को एक उसमें वायरलेस राउटर जो कनेक्शन है पकड़ने के लिए आप केबल भी कर सकते हैं, और तो दिक्कत नहीं होती, तार होती है पूरा तार ज्यादा, हाँ आपको इथरनेट केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको 150 Mbps तक का जो है कैच कर सकता है, एंड जेब्रोनिक का ये वाला जो है स्पेसिफिक ये वाला ये आपको 150 Mbps तक का लिंक कनेक्ट कर सकता है। तो अगर आपके घर में 100 Mbps का राउटर भी लगा तब भी कोई चिंता की बात नहीं, आपको डिवाइस को कोई मेड इन इंडिया, हाँ ये मेड इन इंडिया जेब्रोनिक तो खैर हम सबका नोन ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है। तो लाइक हमने सोचा कि आज इसका चलो अनबॉक्सिंग करके लोगों को दिखाते हैं कैसा होता है क्या होता है, आप एक्साइटेड हो? तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें डब्बे के अंदर और कुछ तो नहीं है, नहीं नहीं जैसे कि अंदर आप देख सकते हो और कुछ भी नहीं है। हाँ पॉडकास्ट में थोड़ी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं यार, क्या फिर उसके अंदर लोग तो जैसे कि देख सकते हो इसमें हम लोग एक पैकेट मिला है जिसके ऊपर सारी जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 150 Mbps, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है 150 Mbps एडवांस WPA2 सिक्योरिटी, आई मीन इस पे आप खुद का जो है जो वाईफाई का पासवर्ड है आप इस पे भी शायद से पासवर्ड लगा सकते हैं। हाँ। मैंने अभी तक इसको ट्राई कभी नहीं किया बिकॉज मैंने जितने डिवाइसेस यूज किए हैं उन सभी में वो था लाइक क्या कहते हैं वाईफाई मॉड्यूल था, कि पहली बार मैंने मंगवाया है उसको भैया के लाइक कंसल्ट किया, उनको एडवाइस किया था लेने को, तो ये पहली बार है। लेकिन हाँ इसमें जहां तक ये देखकर लग रहा है कि आप बना सकते हो अपना खुद का पासवर्ड। अब ये कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन इतना सा है, वो तो अभी हम आपको दिखाई देंगे। एक्सेस पॉइंट मोड ये मुझे पता है वो देख तो तो सबसे पहली जो हम लोग को चीज इसके अंदर मिलती है, सब बहुत नहीं खींचेंगे तो खराब ना, नहीं नहीं खींच लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग को मिलती है ये एक छोटी सी डिस्क है, इससे आपका जो सारा सामान निकाल रहे You better watch out if you ignite him, he's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean, I feed him all the hate and he grows mean, he gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically of course settling the score, never getting bored, loves the blood and gold, always wanting more, feed him from the source, they don't really understand until they feel the force departed. If you start shit you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if
stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate. Lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter. Try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever. The beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. You lost away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't bright, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate. आपने कभी वो किया क्वेश्चन आंसर किया उस पर यूट्यूब पे डाला है कभी? नहीं, ऐसा कोई वीडियो कि जो है चलता क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं हम आंसर करते हैं? नहीं, मैं आंसर किया है बहुत लोग क्वेश्चन किया. अच्छा अच्छा अच्छा. तो लाइक पॉडकास्ट में तो वैसा लगता है कि हम लोग एक सबसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं. हाँ, डिबेट कर रहे हैं. हाँ, डिबेटिंग हम लोग के टॉपिक से जैसे वही चीज से रहते हैं. पॉडकास्ट बढ़िया चीज है. लाइक वी कैन शेयर और आपका क्या मानना है? मेरा मानना पॉडकास्ट से बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का होता है. मैं जल्दी जल्दी के खून खून मिल नहीं पाता हूँ. ठीक है, लेकिन लेकिन मतलब कि पॉडकास्ट से क्या होता है कि आपको अंदर से डर है, तो कुछ बात करने का डर कि बात नहीं कर पाता, इससे आपका घटक खो जाता है. अभी डरता है वो खत्म नहीं होता है, आपने खुल के बात कर पाता है, आपने ओपिनियन को शेयर कर पाता है. ठीक है, इससे मुझे बहुत फायदा नहीं होता है. ये भी एक चीज है, लाइक कैमरे के पीछे जो आदमी अपना एक्सप्रेस कर सकता है वो एकदम फेस टू फेस वो नहीं कर पाता. तो लाइक जैसे मेरे से ये मेरे भाई जैसे, तो मेरे से शेयर करेंगे ये आपके थ्रू कैमरे के पीछे से पहुंचा सकते हैं अपने ओपिनियन. पर अगर ये आपसे इन पर्सन मिलेंगे तो ये इंट्रोवर्ट है, ये आपसे ज्यादा बातें नहीं कर पाएंगे. तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत एटीट्यूड वाला बंदा है, इस बंदे को तो लाइक अपने सब्सक्राइबर्स और कमेंट लाइक दी है. ऐसा होता है, इंट्रोवर्ट लोगों को लोग मानते हैं पर मैं नहीं मानता. पता है क्यों? इंट्रोवर्ट लोगों से मैं मिला हूँ, मुझे लगता है कि हाँ है, मुझे एक ऐसी फीलिंग आती है. मैं सोचता हूँ क्या करते हैं इंट्रोवर्ट, आज वाला ऐसा टॉपिक है सबको शेयर करना चाहिए, अपने ओपिनियन रखना चाहिए. घमंडी नहीं होते, ठीक है, उनको खुद बात करना होता है दूसरों से. लेकिन क्या होता है कि वो खुद में डरते हैं, अफसाना लगता है कि घमंडी ये बोल रहा है. वो अपने में रहना साथ, अपनी कंपनी को ज्यादा वो पसंद करते हैं, अपने को ज्यादा पसंद करते हैं. ये होता है चीज़ है. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मैं इतना इंट्रोवर्ट हूँ ना, मैं थोड़ा खुल जाऊँ. काफी अच्छा जरिया है. यही चीज है, वही तो मैं बता रहा हूँ. जैसे मेरे साथ ये बैठ के बातें कर सकते हैं फेस टू फेस, अगर आप सामने आ जाओ तो आपसे बात नहीं कर पाएंगे.
तो एक कैमरे के पीछे से अपने थॉट्स पहुंचा सकते हैं पॉडकास्ट के थ्रू, ये चीज एक अच्छी है. एंड बाकी जो है लाइक यही बात है कि लोगों को लगने लगने को होता है अपने अपने में. अब जैसे मेरे को यही लगता है कि इंट्रोवर्ट लोग इंट्रोवर्ट समझ नहीं आते, तमाशे खा लो भाई लोगों से, पर अपनी क्यूरियोसिटी को ना मरने देना चाहिए. ये चीज मैंने सीखी है, जो जो तुमको जानना है जान के रखो. जैसे अब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें होती है, टॉपिक्स होते हैं, तो लाइक मेरे को क्वेश्चन आता है मम्मी से, मैं करता हूँ क्वेश्चन, मम्मी पापा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम इतना क्यों पीछे पड़ रहे हो इन सब चीजों के, तुमको क्यों जानना है ये क्यों है वो क्यों है. अब वो भाई छोटा सा टॉपिक हो, पर मेरी क्यूरियोसिटी भाई इतनी ज्यादा है कि मैं उसको जाने में छोड़ूंगा नहीं. और आपने जान लिया तो तुरंत मोटिवेशन आता है, आप तुरंत और आगे बढ़ते हो. नई चीज कर वही चीज क्यूरियोसिटी से, लाइक ना आपकी जिंदगी में समझ लो क्यूरियोसिटी सबसे मेन चीज है जो आपको आगे लेके जाएगी किसी फील्ड किसी किसी भी फील्ड में हो, चाहे कहीं भी आप हो, आपकी क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है. क्योंकि क्यूरियोसिटी इज समथिंग जो आपको उस ऊंचाई तक ले जा सकती है जो नॉर्मल इंसान जो इतना क्यूरियस नहीं है. अब जैसे बहुत लोग होते हैं छोड़ देते हैं कि भाई मेरे को अब नहीं जानना है, नहीं जानूंगा. छह महीने कोई भी कोर्स किया, छह महीने कोई पढ़ाई की, अब नहीं हो रहा है, जिम गए हमारे, वो तो दूसरा टॉपिक हो गया. नहीं वही क्यूरियोसिटी ही होती है, देखो लोगों की क्यूरियोसिटी हर चीज को एक्सप्लोर करना. देखिए अभी कोर्स है, इस कोर्स करने की क्यूरियोसिटी कुछ लोग की होती है तो कोर्स करेंगे ऐसे हो जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि बीच रास्ते में ही भटक जाते हैं कि अब नहीं हो रहा है, उनसे सीरियस नहीं होते ना, वो लोग आलस आलस कर जाते हैं. वो बाकी लोग बाकी लोग की बातें सुन के उसमें एनरोल हो जाते हैं. अरे वो तो पीयर प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर इज समथिंग जो इस सोसाइटी में बहुत चलता है. क्यूरियोसिटी होती है जो वो आदमी अपने वक्त में जाता है, वो कोर्स वही चीज है. बट इट इज बेसिकली ये क्यूरियोसिटी आप नहीं कह सकते, वो टेक्निकली ये क्यूरियोसिटी लाइक कह सकते थोड़ा बहुत 10%, बट ये पीयर प्रेशर का काम है. पीयर प्रेशर इज समथिंग जो कि जो है आजकल बहुत सोसाइटी में चल रहा है, लोग फंस जाते हैं ना. हाँ पीयर प्रेशर के चक्कर में कि भाई दोस्त तो बोल रहा है साइंस ले लो, साइंस ले लिया कर रहा तुम फिर जिंदगी जंट, जो कर रहा तुम करेंगे फिर जिंदगी जंट. हाँ भाई आप किसी एक फील्ड को क्यूरियस हो मतलब अच्छे से परफॉर्म करो, ये कह रहा हूँ. आपके भी ओपिनियन आपके हैं, अच्छा तुम्हारे फील्ड में वो क्यूरियस हो अपने बीएफएक्स एनिमेशन को लेकर, ठीक है, तो उसमें तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, चलो अब हम लोग एपिसोड को यहीं पे रैप अप करते हैं विद अ लाइन, नेवर लेट योर क्यूरियोसिटी डाई. एंड हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड ऑफ देवान शेट्टी टॉक्स में. या अगर आप लोग को लगे कोई ऐसा टॉपिक है जो हम लोग बात करनी चाहिए, हाँ, तो आप मेंशन में, हम लोग ने पिछले हफ्ते भी जो है अपने उस पे बोला था कि जो है आप अपने कमेंट भेजो कुछ भेजो, बट अभी तक कुछ आया ही नहीं है. एंड आपने व्यूज तो बिल्कुल ही नहीं दिए. मेरा सच सही था, व्यूज किसी ने नहीं दिए हैं, बट ठीक है चलो कोई ना. 25 व्यूज भी चलते हैं चलते हैं अभी तो नया नया स्टार्ट किया. तो आपसे हम मिल लेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में. एंड या level it if you are still bye. Hello guys, welcome back to another podcast of episode of I'm not app.